फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी देखिए मॉर्निंग का समय हो रहा है और हमारे यहाँ ऐसा मौसम हो गया है कि डेली सुबह शाम बारिश हो रहा है। दिन भर तो धूप रह रहा है पर सुबह शाम जो है बारिश हो ही रही है। तो इसीलिए देखिए मैं इस छड़ पे कपड़े फैलाने आ गई हूँ। और आज ना छवि रिकॉर्ड कर रही थी तो ये सीढ़ी के पास से रिकॉर्डिंग करने लगी, तो इसकी वजह से उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा है और मतलब अच्छे से उतना रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो इसे थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज़ फ्रेंड। तो अभी देखिए मैंने कपड़े जो है वो फैला लिए हैं और यहीं पर सूख जाएंगे तो मुझे अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीधे मिलती हूँ आप लोग से इवनिंग में। तभी इवनिंग की टी बना रही हूँ क्योंकि आज हस्बैंड का छुट्टी था तो उन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो आज बहुत जल्दी चाय बन जा रहा है। 3:30 बजे मैंने चाय बना दिया था। फिर यूट्यूब का थोड़ा सा काम था तो वही मैं देख रही थी, अपना वीडियो एडिट कर रही थी तो वही चालू करके देख रही थी कि मतलब वीडियो कैसा बना हुआ है, तो वही थोड़ा सा देख लेती हूँ समय मिलता है तो आज दिन में ही टाइम मिल गया था। फिर उसके बाद से मैंने सुबह ही बेडशीट जो है वो धुलने के लिए डाल दिया था, पर मतलब अभी तक मैंने मतलब इस पर बेडशीट बिछाई नहीं थी। तभी देखिए मैं इस पर बेडशीट भी बिछा लूँगी और तब तक हस्बैंड भी आ जाते हैं बाहर से, जब छुट्टी रहता है उनका ना तो मतलब इधर उधर के काम जो होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं वो सारे काम वो देख लेते हैं। तो आज वही है उनका मतलब पेंडिंग वाला काम निपटाने का दिन था तो वही वो बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं। तभी देखिए मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया है। इसके बाद हस्बैंड को चाय दे दूँगी क्योंकि उनको बाहर कहीं जाना था किसी ज़रूरी काम से, बहुत ज़रूरी काम से। तो अभी छवि से पानी मांगे हैं तो वही मैं बोल रही थी कि मैं चाय भी आपको दे देती हूँ और आप चाय भी पी लीजिए, चाय बन गई है। तो छवि ला के उन्हें पानी दे देती है और फिर मैं चली जाती हूँ इनको चाय देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब चाय मैंने दे दिया है और ये पी लेंगे। और मैंने तो मतलब जब बनाया था तभी मैं चाय पी ली थी, इनको थोड़ा लेट हो गया था चाय बनाने को बोल के। फिर बाहर कुछ लोग आए थे उनसे मिलने चले गए थे, मतलब बुला रहे थे बाहर इनको तो वही मिलने चले गए थे। तो वही उनसे बातें कर रही थी कि मतलब क्या बातें हो रही थी बाहर में। हमारे यहाँ भी ऐसा है ना, सड़क और नाली वगैरह का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है तो सारे कॉलोनी के लोग मिल के ऐसा ही कर रहे हैं कि कुछ नाली और सड़क जो है और खंभा वगैरह यहाँ पे व्यवस्थित हो जाए। तो उसके बाद देखिए अभी मैं आ जाती हूँ ग्रोसरी की दुकान पे क्योंकि कल मेरे ससुर की तिथि है तो उनके लिए ही सारा सामग्री लेने आ गई हूँ। साफ साफ जैसा होता है ना कि साफ साफ सब चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होती हैं तो वही मैं लेने आ गई थी। तो थोड़ा सा क्लिप छवि ने यहाँ का भी ले लिया। ये हमारे एरिया का मार्केट है, बस मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर है ये मार्केट और हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो सब अवेलेबल है यहाँ पर। तभी देखिए मैं सारे सामान ले लूँगी फिर आ जाऊँगी घर पे। फिर बच्चों को ऐसा है कि मैं मार्केट चली गई थी तो उन्हें दूध नहीं दे पाई थी तो वही आज बहुत लेट इन्हें दूध भी मैंने दिया। 4 बजे ऐसे दे देती हूँ पर आज बज गए थे 6 तो वही बच्चों को मैं दूध दे देती हूँ। बच्चों ने दूध पी लिया है और मैं टमाटर धुल लेती हूँ। हस्बैंड सब्जी लेकर आए थे मंडी से तो अभी देखिए मैंने टमाटर को धुल लिया है और टमाटर तो था वैसे आधा केजी लेकर आए थे पर फिर आधा केजी लेके आए, आज शायद टमाटर सस्ता मिल रहा था। वैसे हमारे यहाँ 60 रुपया केजी चल रहा है पर आज 40 रुपया केजी ही मिल गया तो हस्बैंड आधा केजी और ले लिए कि टमाटर का भाव जो है ना वो बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है तो इसलिए उन्होंने आधा किलो और लेके आ गए। तो फिर देखिए मैंने बर्तन में नाश्ते मतलब शाम के नाश्ते के जो थे बर्तन थोड़े से तो मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी देखिए सब्जी लेके आए हस्बैंड, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो सब्जी में लाए हैं आज सरपुतिया लाए हैं, भिंडी लाए हैं और बोड़ा लाए हैं। तो जो सरपुतिया है ना वो वैसे हम लोग सरपुतिया की सब्जी खाते नहीं हैं, घर में मेरे कोई पसंद नहीं करता है पर जिस दिन तिथि होती है ना पितरों की उस दिन सरपुतिया की सब्जी बननी चाहिए तो इसलिए मैंने आधा केजी सिर्फ मंगाया है कि एक पाव अपने ससुर के तिथि वाले दिन और दूसरा जो एक पाव बचेगा वो मैं अमावस्या वाले दिन बना लूँगी। तभी देखिए मैं सारी सब्जियों को अच्छे से रख लूँगी और जो पुरानी सब्जी है उसे ऊपर कर दूँगी और जो नई सब्जी आई हैं वो सारी सब्जियों को मैं नीचे रख दूँगी। तो भिंडी भी लाए थे तो भिंडी मैं रख लेती हूँ प्लास्टिक में। तो सब्जियों को मैंने रख दिया है, उसके बाद मैं कट कर लेती हूँ सब्जियों को। तो जैसे आज सिंपल तहरी ही बनाऊँगी क्योंकि हैवी खाना आज नहीं मैं बनाऊँगी, मॉर्निंग में तो हैवी आज कल बनेगा ही बनेगा तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे ईजी तहरी है तो चलो तहरी आज बना लेती हूँ। हल्का भी है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा और झटपट बन भी जाएगा। वैसे मुझे काफ़ी देर भी हो गया था आज डिनर बनाने के लिए। तो अभी देखिए आलू मैंने कट कर लिया है, फिर चली जाऊँगी किचन में
तो किचन में सारी सब्जियों को अच्छे से धुल लूँगी, जैसा कि प्याज मैंने कट किया था वो धुल लूँगी और लहसुन धुल लूँगी और जो आलू है आलू को भी अच्छे से धुल लूँगी। फ्रेंड्स आप फुल सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं भी मतलब यूट्यूब पे जो सपना लेके आई हूँ वो पूरा हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वाच करिए मेरी वीडियो को। 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है तो बहुत जल्दी ही बीत जाता है, अगर आप वाच करोगे तुरंत टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं लगेगा, बस आप लोग को वाच करने की देर है। अगर आप लोग फुल वाच करोगे तो हमें वाच टाइम मिलेगा, पूरा वाच टाइम मिलेगा। वैसे वीडियो अगर वायरल भी हो जा रहा है तो बहुत अच्छा खासा वाच टाइम नहीं मिल रहा है, व्यूज़ के हिसाब से वाच टाइम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वाच कर लिया करिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने सब्जियों को कट कर लिया है, प्याज भी कट कर लिया है और उन्हें वाश भी कर दिया है। फिर मैंने लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है, दरदरा कूटने टाइप का पीसा है। उसके बाद मैं हरा मटर निकाल लूँगी मतलब आलू के साथ। आलू और हरा मटर वैसे तो ठंडियों का तहरी बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि गोभी हरा मटर धनिया पत्ती सब कुछ होता है, लेकिन अभी ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जो है मैं उन्हीं से मतलब तहरी बनाऊँगी। तो तहरी की रेसिपी मुझे नहीं लगती है कि बतानी पड़ेगी, क्योंकि तहरी तो हर कोई बना लेता है अपने घर में, सबसे सिंपल ईजी होता है तहरी बनाना। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में अपने फैमिली मेम्बर में। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यहाँ देखिए तहरी का सारा मसाला मैंने भून लिया है और बस इसमें डाल दिया है चावल, और 1-2 मिनट बस चावल ऐसे ही भून लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी जितना इसमें पानी जाएगा उतना पानी डाल लूँगी आवश्यकता के हिसाब से। फिर मैं लगा दूंगी लिड और बस तहरी बनके तैयार है, और बहुत टेस्टी बना भी था, सिंपल था, इजी था और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बोल रहे थे बहुत टेस्टी है। साथ में मैंने मिर्च का अचार भी बना दिया था हरी मिर्च का। तभी देखिए तहरी मैंने रख दिया है, सीटी लगने के लिए रख दिया है गैस पे, और बच्चों को मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँगी, क्योंकि छवि अपने जीके का जो सारा लेसन था ना वो लर्न करके बैठी थी कि मम्मी आप आइए तो मेरा एक बार पूछ लीजिए, और रुपेश तो अपना लिख लिख के ही लर्न कर लेता है, लेकिन छवि से सुनना पड़ता है, अभी थोड़ा स्पेलिंग उसकी जो है ना वो मिस्टेक होती है, तो उससे एक एक स्पेलिंग सुननी पड़ती है मुझे, तो इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अभी देखिए वही मैं सुन रही हूँ, सुना नहीं पा रही है तो मैंने मतलब मैं इसको दे देती हूँ कि तुम लोग फिर से लर्न करो, और बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वैसे तो पढ़ा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रिवीजन इन लोगों को करना है। तो रुपेश यहाँ पे बैठ के खुद से कर रहा है, छवि भी अपना खुद से कर रही है, क्योंकि मुझे जो कुछ समझाना था मैंने बच्चों को समझा लिया है, और हस्बैंड का वेट हो रहा है, वो आ जाएंगे तब तक मेरी तहरी भी बन जाएगी, और वो आ जाएंगे तो गर्मा गर्म हम लोग डिनर करेंगे। तो हस्बैंड का आज छुट्टी है, वेडनेसडे को छुट्टी रहता है उनका, तो गए हैं अभी जब काम से गए हैं, थोड़ा काम था तो वो चले गए थे, वो काम से बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा मुझे आने में। तो अभी देखिए 9 बज चुके हैं और बस मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में आ जाएंगे वो, तब तक मेरा तहरी जो है वो भी बन जाएगा, फिर हम सब लोग साथ मिल के डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग के लिए मैंने थाली लगा दिया है, तहरी सलाद और हरी मिर्च का अचार, तो खाने आ जाइए आप लोग भी, इनवाइट है आप लोग। तभी देखिए हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने मतलब सबके लिए डिनर लगा दिया, और सभी को बारी बारी दे दूंगी, फिर मैं भी बैठ जाऊंगी साथ में सबके डिनर करने। और छवि आज नहीं खाएगी डिनर, क्योंकि छवि डिनर नहीं करेगी क्योंकि शाम के समय उसने